हेलो कैसन बा इगु बात रहुआ लोगन के बताई कि हमने कई कई तरीके का कई कई प्रदेशों का जायका लिया हूँ लेकिन एक प्रदेश है जिसकी खाने के बाद कोई भी नहीं करता है और वो है हमारा बिहार इन दिस एपिसोड वी शैल फाइंड आउट बिहारी फूड बियॉन्ड लिट्टी चोखा एंड सत्तू स्पीक विद द पीपल बिहाइंड वन ऑफ द ओनली रेस्टोरेंट सर्विंग बिहारी कुजीन इन दिल्ली एंड मीट आवर कमेंटर ऑफ द वीक इट इज फनी हाउ लिटिल आई एक्चुअली नो अबाउट बिहार एंड बिहारी फूड मतलब मैं जितना भी जानता हूँ वो सिर्फ दो चीज़ों से जानता हूँ एक तो है भोजपुरी गाने और दूसरा है गैंग्स ऑफ वासेपुर वासेपुर मेरी फेवरेट फिल्म है बाय गॉड व्हाट इज योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासेपुर कमेंट्स में बताना वासेपुर झारखंड में बा हाँ तो फिर मतलब हाँ झारखंड भी तो पहले बिहार में था ना है ना सही बात लेकिन भोजपुरी म्यूजिक वीडियोस का तो मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ माय गॉड मतलब इतनी रातें मैंने अपने दोस्तों के साथ काटी हैं भोजपुरी वीडियोस देख देख कर एंड नाउ टुडे अपने सस्ता प्रोडक्शन की मदद से मैंने खुद की एक भोजपुरी म्यूजिक वीडियो बनाई है Here is a clip. Anyway, my album drops next year. That is enough about my uneducated view about Biharis and their culture. थोड़ा educate होते हैं, थोड़ा खाना खाते हैं, चलें। Friends, today we are at Potbelly and we are serving their delicious Bihari food. ऊपर पहुंच गए हैं मैंने थोड़ा रेस्ट ले लिया है और अब हमें अमित कुमार जी के साथ जो यहाँ के मैनेजर हैं नमस्कार जी नमस्कार कितने साल हो गए इस जगह यहाँ लगभग 7-8 साल हो गया है यहाँ 7-8 साल हो गए और शुरुआत कैसी हुई शुरुआत हमारे ओनर हैं पूजा साहू हाँ जी उन्होंने किया हम लोग बिहार के रहने वाले हैं सर हाँ जी तो हम लोगों ने बिहारी आइटम ही सारा चूज किया हाँ जी और बिहारी आइटम मेनू में ही डाला सर बिहारी आइटम दिल्ली में चलेगा नहीं चलेगा ये सोचा था कभी बिहार के लोग आते ही हैं सर बहुत तरह के पसंद करते हैं हाँ जी इसीलिए हम लोग बिहारी आइटम सारा रखे हैं क्या बात है बिहार में ऐसे अनेक तरह के आइटम है सर हाँ जी उनमें से 10 आइटम है तो हम लोग अलग अलग चूज करते थे ये आइटम चलेगा नहीं चलेगा इस तरह हम लोग चूज करके मेनू में डाले हैं सारा लिट्टी चोखा है सबको पता है नाम ठीक है सब तो सबको पता है नाम लेकिन ऐसा क्या आइटम है जो आपको लगता है कि ज्यादा लोगों को पता नहीं है बगिया बास्केट है बगिया बास्केट जो दिल्ली में बहुत कम ही लोग जानते होंगे अच्छा क्या होता है उसमें क्या होता है स्टार्टर है हमारे हाँ जी वो चावल के आटा के अंदर चना का सत्तू बनाकर भर के बनाया जाता है अच्छा जी तो ये एक नया आइटम है जो आप बोलते हैं कि ज्यादा लोग चखना चाहिए ज्यादा लोगों को तो दिल्ली वाले कितने आते हैं आपके मतलब जो बिहारी जो बिहार से नहीं है लगभग बाहर के ही आते हैं जैसे स्ट्रीट फूड होता है कि लिट्टी चोखा हो गया जो सड़क पे ही बढ़िया मिल रहा है तो आप लोग कैसा क्या करते हैं कि आप बोलें कि भैया हमारे यहाँ भी इतना बढ़िया क्या अलग करते हैं लिट्टी है तो हम लोग पहले उसको आग पे रोस्टेड करते हैं फिर घी में फ्राई करके देते हैं अच्छा देसी घी में अच्छा तो वो अलग वैसे बाहर अलग मिलता है जी लेकिन एक होता है कि चलो बिहार में जिस तरीके से खाना पकाते हैं और प्रिपरेशन करते हैं वो ज़्यादातर होता है कि क्या बोलते हैं उसे चूल्हे पे होता है एक तरीके का जो प्रिपरेशन होती है वो अलग होती है यहाँ पे आप लोग करते हैं आप किचन में बनाते हैं तो आपको लगता है स्वाद में फ़र्क आता है स्वाद वही मिलेगा स्वाद वही मिलेगा जो बिहार का है तो आपके जो सारे जो शेफ्स हैं जो सारे कुक्स हैं वो सारे बिहार से हैं या फिर दिल्ली से भी हैं सारे लगभग 90% बिहार के ही हैं अच्छा मुझे ये बताइए कि नॉन वेजिटेरियन आइटम में क्योंकि मैं सिर्फ वेजिटेरियन आइटम था नॉन वेजिटेरियन आइटम में क्या क्या मिलता है आपके यहाँ नॉन वेजिटेरियन में सर हमारे यहाँ खड़ा मसाला चिकन है खड़ा मसाला मटन है लिट्टी चिकन है लिट्टी मटन है चंपारण मटन है जो हमारे यहाँ का फेमस है अच्छा तो वो तो ट्राई करना पड़ेगा बोनलेस मटन है हाँ जी काफी चलता है सर चलो ठीक है नॉट बैड ये हमने सुना है बहुत ही पुरानी कहावत है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू तो अब समोसे में आलू डलता है बिहार में कि नहीं डलता डलता ही है सर तो लालू जी का क्या हुआ कोई मजाक नहीं चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा खाना चखते हैं और फिर हम भी बताएंगे क्या स्वाद है मैंने तो कभी बिहारी खाना चखा नहीं है तो आज पहली बार चखूंगा मैं अरे लिट्टी भाग लो गरम अब लिट्टी का प्लेट में दही चिकन का साथ है या मटन का साथ वो सब दही चलो ठीक है बातचीत हो गई है और हम अभी इस रियली नाइस ओपन लोकेशन में हैं जहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आ रही है
It's a very nice, pleasant afternoon for me. और इतना सारा खाना पड़ा है साथ में. Can't wait to dig in. और भाई हमारे commenter of the week भी आने हैं. उनका भी इंतजार है. So let's start. अब आपको सारी dishes के नाम पहले बता देता हूँ. ये है मटन चंप, ये है चंपारण स्टाइल मटन, ये है लिट्टी चिकन, ठीक है, ये है 1, 2, 3 दाना झमुरा थाली, दाना झमुरुआ थाली, I got it, it's like a tongue twister. और ये है बगिया बास्केट, और ये अलग अलग चीजें, अलग अलग प्रकार की डिशेज हैं, जैसे दिस ब्रेड इज मेड ऑफ राइस, ये साबुत दाने के हैं, मटन है, ये मूंग की दाल का पराठा है, ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है दिखने में. लेट्स स्टार्ट विद मटन चाम जो मेरे सामने पड़ा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे सामने पहले मटन ही पड़ा होगा, वेजिटेरियन डिश थोड़ी पड़ी होगी. मटन तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये मसाले हैं जो मैंने इस कॉम्बिनेशन में कभी देखे नहीं है. इट्स नॉट वेरी स्पाइसी बट इट्स फुल ऑफ मसाला, इट्स रियली नाइस. पता लग रहा है कि मसाले खड़े मसाले हैं, मतलब एंड इट्स जेन्युइनली वेरी वेरी नाइस. आई थिंक यू गाइस शुड ट्राई दिस आउट फॉर श्योर. जो कढ़ाई चिकन का मसाला होता है, जो दही चिकन का मसाला होता है, एंड देन ऑन दैट थोड़ा स्पाइसी और भर्रा साइड, सो इट्स लाइक अ फुल इनफ्लक्स ऑफ फ्लेवर्स, बट इट्स ऑल्सो माइल्डर, सो इट्स रियली नाइस. नाउ मूविंग ऑन टू डिश नंबर 2, दादा झमरुआ थाली. ठीक है, आई एम रियली सॉरी टू एनी बिहारीज वाले लिसनिंग. तो ये साबुदाना कुछ है, ये ट्राई करते हैं पहले. वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दिस सब्जी इज बेसिकली बैंगन एंड आलू का, दिस इज मिक्सचर. आई वांट ट्राई व्हाट दिस इज. अगेन देखने में जितना ये तीखा लग रहा है उतना तीखा है नहीं, एकदम टमाटर, इट्स एक्चुअली क्वाइट स्वीट. मस्टर्ड, दिस इज मैड गुड यार, दिस चटनी, येलो चटनी, ये मुझे बहुत पसंद आ रही है. आई मीन यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो यही जो फिरकियाँ होती हैं जो क्विजींस में आती हैं, दीज आर द वंस दैट आर रियली वर्थ लुकिंग आउट फॉर. अदरवाइज तो आई मीन लाइक द बिग डिशेज आर द बिग डिशेज, बट दोज लिटिल थिंग्स दैट ऐड टू इट रियली कम्प्लीट अ क्विजीन इन माई ओपिनियन. एनी वे, अब इसका जो मेन चीज़ है वो ट्राई कर रहे हैं. ये तो सत्तू से भरा हुआ है क्या, राइस से भरा हुआ है क्या ये. अगेन दिस इज द स्पाइसीस्ट थिंग आई हैड टुडे, ये सबसे ज़्यादा स्पाइसी है. बहुत इंटरेस्टिंग है. अगेन दीज आर फ्लेवर्स जब मैंने कभी ट्राई नहीं करे हैं, तो मेरे को तो कभी कभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या चख रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं लग रहा है. वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आ रहा है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू डिश नंबर 3, दिस इज बाघी बास्केट. तो ये चावल के आटे का बना हुआ है, जिसके अंदर रोस्टेड दाल होती है. अभी अगेन समथिंग आई हैव नेवर ट्राइड बिफोर, पहली बार ट्राई करूँगा. दाल है, दाल का फ्लेवर है, ये बाहर का टेक्सचर, द टू टेक्सचर्स आर वेरी डिफरेंट, एंड इनसाइड दे पुट लॉट्स ऑफ स्टफिंग. इसमें इतनी सारी स्टफिंग डाल रखी है अंदर, इट इज वेरी टेस्टी. चावल के आटे का जो चीज़ है मैंने कभी खाया नहीं है. दिस इज ऑल्सो चावल के आटा, दिस इज ऑल्सो चावल का आटा. इट्स अ वेरी डिफरेंट टेक्सचर फॉर अ ब्रेड, वेरी नाइस. अच्छा, ओके, कूल. आओ आओ आओ. हेलो सर, क्या ना सर. आई नो इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट बट प्लीज. ठीक है, आपका नाम क्या है? संजय शर्मा. संजय शर्मा जी, क्या करते हैं आप? सर आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर. सोशल मीडिया तो आपको दो, इंस्टाग्राम फुल पावर. मेरा सोशल मीडिया सक्स, आई कांट डू सोशल मीडिया. आपकी वीडियोस देखिए तो पूरा दिन नेट पे बैठे होते हैं, इसलिए वहां पे हमने भी कमेंट कर दिया. क्या बात है सर, क्या क्या बात करी है, मतलब दिल को छू लिया. तो हमारे पास ये बिहारी खाना है, चंपारण स्टाइल मटन, लिट्टी चिकन. लिट्टी मेरे को ट्राई करना, अभी तो लिट्टी ट्राई नहीं किया मैंने. सॉरी, मैंने आपके बिना शुरुआत कर ली. कोई नहीं ना, तुम लेट हो ऐसे. नॉन वेज मेरे लिए पड़ा है. अच्छा, बहुत बढ़िया, तुम्हारे लिए पड़ा है ना. ये दिस इज आई लव व्हाट आवर कमेंटर्स इज दैट, वो आते हैं फिर सब मेरा ही है. मैं तो बस अभी मेरा शो है, तुम कौन हो. दिस इज मटन चाम्प, लिट्टी चिकन, चंपारण स्टाइल मटन, दाना झमुरिया झमुरा झम दाना थाली. दाना थाली, आज से इसका नाम दाना थाली है. ठीक है, एंड दिस इज बगिया का बास्केट. बास्केट तो नहीं है, मग में है. लेकिन एनीवे, पहले आप वेजिटेरियन ट्राई करिए. सो व्हाट डू यू थिंक? स्पाइसी है. स्पाइसी है ना, ये वाला स्पाइसी है. एग्जैक्टली, बिहारी खाना काफी डिलीशियस है. हाँ, मैं तो पहली बार ट्राई कर रहा हूँ. मैं भी मतलब खुद लिट्टी तो मैंने खाया है पहले. लिट्टी खाया आपने? अच्छा, तो फिर अगर आपने खाया तो मुझे बताओ मैं क्या करूँ इसका. मेरे हाथ में बॉल दे दी गई है, इसको मतलब आप तोड़ सकते हैं. अच्छा, तोड़ू मैं? कटोरी होती है ना. हाँ,
मुझे कचौड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, अंदर स्टफिंग होती है। ओके ओके ठीक है। अच्छा तो अब इसको मैं चिकन के साथ खाएगा। साइज देखो इस चिकन का, मैं इसे चिकन कैसे तोड़ूं, ऐसे ही निकाल के। तो वैसे तो रेगुलरली लिट्टी के साथ चोखा मिलता है, विच इज भरता टाइप्स, है ना, भरता और आलू। हाँ जी, ये दोनों चीजें साइड में, और हम कर रहे हैं चिकन लिट्टी के साथ क्योंकि हम कूल हैं। हैशटैग शशांक स्कूल। लॉट्स ऑफ अनियंस, पुल ऑन खड़ा स्पाइस, एकदम जबरदस्त। तो ये बूम बूम आफरीदी है, ये धोनी है, ये राहुल द्रविड़ है। ठीक है, राहुल द्रविड़ इज वेरी गुड, वेरी क्लासी, रायता भी है, और राहुल द्रविड़ रायता भी होता है। राहुल द्रविड़ वेरी नाइस, बोल रायता भी है। कोई और आपको नहीं बता पाएगा क्रिकेट कौन सा फूड कौन से क्रिकेटर से कॉरेस्पॉन्ड करता है, कोई नहीं बताएगा आपको, हम बताएंगे। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था, उसी को कॉमेमोरेट करते हुए चंपारण स्टाइल मटन खा रहा हूं। थोड़ा ट्राई कीजिए, ये बढ़िया है, ये मुझे बहुत पसंद। देख सारी सब भी बढ़िया है, बट दिस इज जस्ट नेक्स्ट लेवल, प्लीज गो फॉर इट। इट्स रियली नाइस, वेरी स्पाइसी, एंड द मटन इज वेरी सॉफ्ट। It's just really like the flavors, it really gets to you. It's not like this kind of spice, no? This is like a mid-level player. This is Virat Kohli. This is club. This is Virat Kohli. Parantha is also complimenting. हाँ, parantha तो एकदम जबरदस्त, अंकल के चखना स्टाइल parantha है, मूंग की दाल का, वो तो एकदम जबरदस्त है, लेकिन genuinely speaking, this is the middle ground between like full-on attack. इस बार slash किया और एक और 6 रन। ये है बघिया basket, वैसे ये बघिया है। अच्छा। ठीक है, इसको चटनी के साथ खाएंगा। ये वाली? जान जी, ये वाली। आप लोग हमेशा कमेंट्स में लिख रहे थे, आपने स्पेशली जब हमने पारसी वाली वीडियो करी थी तो आपने कमेंट्स में लिखा था कि आपको बहुत ही पसंद आया कि हमने कुछ नया किया, कोई नई क्विजीन ट्राई करी। तो वी आर हियर नाउ, वी ट्राइंग अ न्यू डिफरेंट क्विजीन ऑल टुगेदर। इवन नाउ हमने पता नहीं कितनी कितनी तरीके की क्विजीन्स करी होंगी। वी हैव डन मुगलाई फूड, वी हैव डन नॉर्थ इंडियन फूड लाइक बटर चिकन, आप हमारे को बता सकते हैं कि अगली क्विजीन हम कौन सी करें। ठीक है, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत बातें कर ली हैं, अब खाना हम खत्म करते हैं, बाकी टीम को बुलाते हैं टूट पड़ने के लिए। हमारे जो रेजिडेंट बिहारी हैं ऑन दिस टीम आर वेरी ईगर टू ट्राई एंड गिव देयर ओपिनियंस। वी विल सी यू ऑन द अदर साइड विद द रेटिंग एंड अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्लेस, सो डोंट गो एनीवेयर। खाना खा लिया गया है तो अब टाइम है रेटिंग का। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया पॉटबेली का खाना खा के। आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट इंट्रोडक्शन टू बिहारी फूड। इट्स अ क्विजीन जिससे मैं बहुत वाकिफ नहीं था, तो इससे परिचय करके मुझे बहुत मज़ा आया। आई गिव इट अ गुड 4 stars out of 5। आई थिंक द चंपारण मीट वॉज ग्रेट, आई थिंक द मटन चाम्प वॉज ग्रेट, सो गो फॉर इट। अगर आप आना चाहें तो दो लोगों का कॉस्ट लगभग 1000 रुपये पड़ेगा, बट इट्स टोटली वर्थ इट, सो यू शुड गो। एनीवे सब कुछ हो गया है, please keep liking, sharing, commenting on our videos and we will keep showing you the love that we have for you. Till then, I'm Shashank and you have been served.